मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एमवीआरसी मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे इन दिस लेक्चर आई विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 9। इसमें है आपका पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। इसमें से चुंबकीय पदार्थ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, केवल आपको पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ना है। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल चुंबक स्थापित है, एक बहुत बड़ा चुंबक स्थित है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं और दोनों गोलार्ध में चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसको पृथ्वी को कहीं पर खोदा होगा और ढूंढा होगा तो वहां पर मैग्नेट मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कोई उसका ये नहीं कि कोई डायरेक्ट परीक्षण किया गया है, तो कुछ इनडायरेक्ट वे में परीक्षण किए गए हैं, जिससे निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेट अवश्य है। वो कुछ प्रैक्टिकल है इस प्रकार से। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, आप दिशाएं समय जो हम बता रहे हैं इन दिशाओं को मानिए कि यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पर पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये आपका यहाँ पर उत्तर है और ये दक्षिण है। इन दिशाओं के द्वारा आप आज समझेंगे, आप जहां पर बैठे हैं इस प्लेस की अन्य डायरेक्शन को आप भूल जाइए। तो देखिए, ये हम खींच रहे हैं, ये हो गई पृथ्वी की उत्तरी दक्षिणी अक्ष, ये उत्तर और दक्षिण है ना, तो ये पृथ्वी की उत्तरी दक्षिणी अक्ष हो गई। और यहां पर हम अर्थ का एक मैप बना रहे हैं, देख लीजिए, आर्टिफिशियल मैप ऐसे ही अंडाकार होती है, लेकिन हम इसको लगभग गोलाकार बना रहे हैं, ये अर्थ हो गई। तो जो यहाँ से बहुत से परीक्षण किए गए हैं उनमें से जो निष्कर्ष निकले हैं, वो निष्कर्ष आपको समझना है कि पृथ्वी के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका प्रमाण होना चाहिए कोई ना कोई। तो देखिए, हम लोग किस में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर दें, यहाँ पर दो गोलार्ध बने, एक उत्तरी गोलार्ध बनेगा, एक दक्षिणी गोलार्ध बनेगा। तो सबसे पहला परीक्षण क्या हुआ यहाँ पर, देखिए कि जो हमारी चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई इस प्रकार का एक उपकरण होता है, आप लैब में जाएंगे तो देखने को पाएंगे, इस पर ये हेड होता है, ये इसका टेल होता है। तो ये जो हेड और टेल है, जो सुई बनी है, ये खुद में एक चुंबक होती है, ये खुद में एक चुंबक होती है। और इसका ये जो होता है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। और आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल अगर सामने लाए जाए तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। साउथ एंड साउथ पोल अगर एक दूसरे के सामने लाए जाए, ये भी रिपल करते हैं। वन नॉर्थ एंड वन साउथ होता है तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पहले से पता है, नहीं हाई स्कूल में भी ये सब चीजें पढ़े हो, कि अगर हम समान सजातीय ध्रुवों को पास में लाते हैं तो चुंबक एक दूसरे को दूर भगाता है, अगर विपरीत ध्रुव लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है प्रबलता से। तो यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्या किया गया, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया पृथ्वी के किसी भी गोलार्ध में। आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात करिए, तो जब इसको आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं चुंबकीय सुई को, तो ये ऐसे किसी एक निश्चित दिशा में ही क्यों रुकती है, इसको घूम, इसको जब हम घुमाते हैं, इसको मूव कराते हैं, इसको झटका देते हैं, तो इसको किसी दूसरी दिशा में चले जाना चाहिए। इसको जब आप लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक या किसी भी प्लेस पर आप रखेंगे अपने उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखेंगे इसकी नोक जो होगी ये सदा एक फिक्स डायरेक्शन में रुकेगी। इसका जो हेड और टेल है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगी और ये साउथ को बताएगी। तो ये फिक्स डायरेक्शन में क्यों रुकती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि इसके चारों ओर कोई अन्य मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी ये डायरेक्शन को बता रही है, क्योंकि ये किसको बताती है, सदा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो अगर इसको हम झटका दें या इसको हम घुमा दें किसी दिशा में, तो कहीं भी ठहर जाना चाहिए ना। लेकिन ये जो अगर स्वतंत्रता पूर्वक हम रख दें कहीं पर भी, तो ये फिक्स डायरेक्शन में ही रुकती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो ये निष्कर्ष निकलता है इससे कि इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र अवश्य है जिसकी ये डायरेक्शन को बता पा रही है। क्या ये निष्कर्ष समझ पा रहे हैं? जैसे एक मैग्नेट आपको दे दें, कहें इस मैग्नेट को आप रखिए, तो वो मैग्नेट आप अगर रख रहे हैं और वो किसी डायरेक्शन में हट नहीं रहा है, उस पर कोई अन्य फोर्स नहीं लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में रखा है, तो इसका मतलब आसपास कोई चुंबक नहीं है। और अगर एक चुंबक पहले से ही वहां पर रखा हो, ठीक है, एक चुंबक पहले से रखा हो, तब उसके पास में जाकर के आप कहीं भी मैग्नेट को रखिए, तो मैग्नेट जब रखेंगे तो किसी दिशा में मूव कर जाएगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड खुद में क्या है, ये मैग्नेटिक रिडिल क्या है, एक चुंबक है। तो ये चुंबक तभी अपनी फिक्स डायरेक्शन में रुका रहेगा जब तक इसके चारों तरफ कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र ना हो। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है
तो ये फिक्स डायरेक्शन में रुकेगी। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि चुंबकीय सुई जो है तो नॉर्थ साउथ में क्यों रुकती है, तो कहोगे पृथ्वी के अंदर एक जो विशाल चुंबकीय क्षेत्र, एक विशाल चुंबक स्थित है, उसके कारण पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सदैव बताती है, इसलिए यह फिक्स डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में रुकती है। दूसरा, इससे कोई इससे ये तो निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकला कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन क्या है, या इसके अंदर जो चुंबक रखा है उसकी डायरेक्शन क्या है, कि इधर नॉर्थ पोल है और कहां पर साउथ पोल है, ये निष्कर्ष नहीं निकला। इसके लिए क्या किया गया, यदि एक कंपास सुई को लेकर और पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगाया जाए, इस कंपास सुई को लेकर के पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगाया जाए, तो यहां पर जब आप कंपास सुई को लेकर के पहुंचते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो हो जाती है, देखिए यहां पर जो लोग पृथ्वी पर रह रहे होंगे उनके लिए ये क्षैतिज रेखा होगी कि नहीं होगी, आप जैसे यहां पर रह रहे हैं मान लीजिए यहां पर, तो आपके लिए ये क्षैतिज रेखा हुई, इसको क्षैतिज रेखा कहोगे, यहां पर ये क्षैतिज रेखा आपके लिए हो गई, तो जो लोग यहां रह रहे होंगे उनके लिए ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी ना, जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके लिए क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी, क्षैतिज रेखा समझते हैं, जैसे आपकी छत है ये क्षैतिज रेखा हुई, इसको इस फिगर से समझ सकते हैं, ये फिगर दुर्लभ फिगर है, दुर्लभ फिगर का मतलब क्या हुआ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं मिले तो बताना, खुद का समझाने के लिए फिगर। देखिए हम कंपास सुई को लेकर के पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगाएं, ठीक है, यहां पर जब कंपास सुई को लेकर पहुंचे, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, तो कंपास सुई यहां पर इस प्रकार से हो जाती है, ये दक्षिण सिरा है, देख लीजिए दक्षिणी भौगोलिक दक्षिण इसको हम कहेंगे, मतलब दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है, इसको हम भौगोलिक दक्षिण कहेंगे, और जो ध्रुव होंगे उसमें केवल दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हम कहेंगे, तो जो मैग्नेट होगा उसका यहां पर होता है नॉर्थ पोल, यहां पर चुंबकीय सुई रुकती है इस प्रकार से बिल्कुल परपेंडिकुलर। जब यहाँ पर एक स्थान है कोई भी, अभी जब पूरा राउंड घुमा देंगे तो बात समझ में आ जाएगी कैसे निष्कर्ष निकला कि मैग्नेट अवश्य है इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, जब यहाँ पर चुंबकीय सुई को लेकर के आए तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे खड़ी हो जा रही है, ठीक। अच्छा, हम काल्पनिक फिगर बना देते हैं मैग्नेट का, फिर तुम समझ जाओगे कि अवश्य मैग्नेट ये है, मैग्नेट अंदर इसके जो पृथ्वी के, पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है वो इस प्रकार से रखा हुआ है, ये निष्कर्ष निकला है, कोई खोद के नहीं चेक किया गया है, और ये भौगोलिक दक्षिण दिशा में इसका कौन सा पोल है, नॉर्थ, और भौगोलिक जो उत्तर है इधर इसका कौन सा पोल है, साउथ, ठीक है। तो अब जब राउंड लगाया गया तो देखा गया कि यहां पर ये कैसे रुक रही है, यहां पर इसका क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल इधर आ जाता है, साउथ पोल यहाँ नॉर्थ आ जाता है, जब राउंड लगाते हुए फिर एक डायरेक्शन यहां पर पहुंचे तो यहां पर क्या हो गया, फिर से ये परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत पृथ्वी पर खड़ी है, लेकिन इधर क्या हो गया, इसके हेड हो गया और टेल इधर चली गई, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, यहां पर इसका ये जो साउथ सिरा है वो ऐसे रहता है ये, और जब यहां पर हम पहुंचते हैं लगभग यहां पर आ जाइए इस प्लेस पे, तो इसकी डायरेक्शन ये पैरेलल हो जाती है बिल्कुल, एक और प्लेस यहां पर हम बना दे रहे हैं, इसी फिगर से बहुत कुछ समझना है। हर जगह पर आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर स्थान पर इसकी डायरेक्शन बदल रही है, बस आपको किस मेथड से इसको समझना है कि नॉर्थ और साउथ परस्पर अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कंपास से लेकर के यहां से चले तो यहां पर देखिए ये जो चुंबकीय सुई थी बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, इसका जो टेल था वो पृथ्वी की ओर था, तो ये क्या बता रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि अगर इसका टेल यहां पर परपेंडिकुलर हो रहा है, ये साउथ पोल आ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो चुंबक होगा उसका यहां पर कौन सा सिरा होगा, नॉर्थ पोल रहा होगा, जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और बिल्कुल परपेंडिकुलर ये रख रहा है। फिर जब आगे की ओर बढ़े तो ये पोजिशन देखने को मिली कि क्षैतिज के साथ सुई कुछ कोण बना रही है, क्षैतिज है, देखिए क्षैतिज के साथ किसी एंगल पर टिके हुए, अगर इसको हम आगे की ओर बना दे तो ये कोई ना कोई कोण यहाँ पर बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साउथ नीचे की ओर क्यों है, क्योंकि ये साउथ है, इसको ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो साउथ इधर की ओर हुआ और नॉर्थ उधर की ओर इसका ये चला गया। फिर और आगे बढ़े, जब हम यहां पर आ गए जो कि इसके पैरेलल है मैग्नेट के,
जब हम मैग्नेट के पैरेलल पोजीशन पे आए तो हमने देखा चुंबकीय सुई भी क्या क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्यों? क्योंकि जितना इस नॉर्थ पर इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही साउथ पर इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये पैरेलल तभी हो जाएगी जब जितना नॉर्थ पर ये अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल पृथ्वी के अंदर वाला, और ये जो साउथ है उतना ही अट्रैक्ट करेगा ये वाला पोल, तब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो गई, बिल्कुल समांतर हो गई। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए जब प्रयोग करेंगे तो चुंबकीय सुई बिल्कुल क्या होगी, पृथ्वी के समांतर होगी। लेकिन आप यहाँ पर लटका के देखिए तो ऐसे नहीं रुकेगी, किसी ना किसी एंगल पे ये रुकेगी, ऐसे झुक करके क्षैतिज से कुछ कोण बनाएगी, और जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए चुंबकीय सुई ये कोण बनाएगी, बिल्कुल जीरो अंश पर होगी, क्षैतिज से जीरो अंश पर। फिर यहाँ है तो नॉर्थ यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि इधर साउथ पोल है ना। जब धीरे धीरे इसको देखा अब नॉर्थ झुकने लगा पृथ्वी की ओर, तो निष्कर्ष निकलने लगा कि इसका मतलब हम धीरे धीरे जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसके साउथ पोल की ओर पहुंच रहे हैं। जब ये राउंड लगाते हैं यहाँ पहुंच रहे हैं तो यह नॉर्थ पोल पृथ्वी की ओर झुकने लगा, यह बता रहा है कि इसका मतलब हम पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसके लगभग हम साउथ पोल के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे साउथ पोल इसको अपनी ओर पृथ्वी की ओर खींच रहा है। फिर और आगे बढ़े तो एक पोजीशन ऐसी मिली कि देखा नॉर्थ पोल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया पृथ्वी की ओर, लंबवत खड़ा हो गया, जैसे कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। तो नॉर्थ पोल इधर एकदम आ गया, इससे निष्कर्ष निकला कि जो भी इसके अंदर मैग्नेट रहा होगा उसका जो साउथ पोल होगा एग्जैक्ट इसी बिंदु पर होगा, साउथ पोल एग्जैक्ट इसी बिंदु पर होगा। तो इस स्थान पर जो लोग रह रहे होंगे वो लोग जो प्रयोग करेंगे चुंबकीय सुई को रखेंगे तो ऐसे नहीं रुकेगी, चुंबकीय सुई भी देखा कभी नहीं देखा, लैब जाकर के आज ही देखिए, कहिए हमको चुंबकीय सुई दिखाइए, तो वहां ऐसे रुक रही होगी। देखिए जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए ये चुंबकीय सुई होगी, वो कैसे रुक रही होगी, बिल्कुल लंबवत। देखिए ये क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज है तो क्षैतिज से बिल्कुल लंबवत रुक रही होगी। देखिए यहाँ पर कोण क्या हो गया था, जीरो, यहाँ पर कोण फिर बढ़ने लगा था कुछ भी, और यहाँ पर कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। फिर अब एक राउंड अभी कहा पूरा, आधा राउंड हुआ ना, अब इधर आने लगे तो देखा अभी तक जो है ये नॉर्थ पोल इधर झुका था, नॉर्थ पोल इधर झुक रहा है, क्यों, क्योंकि ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। आप दो तीन मैग्नेट ले जाकर के और ये सब वहां पर अगर कुछ करके देखेंगे तो आपको निष्कर्ष निकले अपने आप निकलेंगे कौन किधर अट्रैक्ट करता है, ये सब चुंबक से करके खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब पहुंचे तो फिर से देखा ये मैग्नेट पैरेलल हो गया, ये पैरेलल क्यों हो गया है, क्योंकि जितना इसका साउथ का इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्थ का इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और दोनों बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय सुई समांतर हो जाएगी। तो ये एक रेखा हम खींच दे रहे हैं जहां जहां पर चुंबकीय सुई क्या हुई थी, समांतर। इसको हम कहेंगे पृथ्वी के अंदर की चुंबक की निरज, पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका ये क्या है, निरज, और ये जो है ये पृथ्वी के अंदर के चुंबक की अक्ष है, ये इसको हम पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसकी कहेंगे चुंबकीय अक्ष, इसको हम कहेंगे चुंबकीय अक्ष, और इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय निरज, चुंबकीय निरज आप लिख लीजिए यहाँ पर, चुंबकीय निरज समझ लीजिए। अभी हम पूरा मौका देंगे लिखने के लिए। फिर जब यहाँ पर आए तो अभी तक ये देखो नॉर्थ पृथ्वी को अट्रैक्ट हो रहा था, जब यहाँ इधर पहुंचने लगे तो साउथ अट्रैक्ट होने लगा, तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब हम पृथ्वी के लगभग नॉर्थ पोल की ओर, पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल की ओर लगभग हम पहुंच रहे हैं, इसीलिए साउथ वाला इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। तो आपने देखा जब पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगाया गया तो चुंबकीय सुई दो जगह परपेंडिकुलर हुई, लंबवत हो गई पृथ्वी पर, ठीक, और दो जगह समांतर हो गई, अन्य जगह पर पृथ्वी से क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण बना रही है। अन्य स्थानों पर आप देख रहे हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो क्षैतिज से कुछ कोण बना, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे वो ऐसे खड़े होते होंगे, जो लोग यहाँ रह रहे वो ऐसे लंबवत खड़े होते होंगे पृथ्वी, जो लोग यहाँ रह रहे वो ऐसे खड़े, उनका हेड यहाँ होता होगा, अब सोच रहे तो गिरते नहीं होंगे, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका हेड यहाँ पर होता होगा, गिरेंगे क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर किस लिए रुके हैं, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किधर होता है, सेंटर की ओर होता है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो गिरेंगे नहीं, आप जो सोच रहे होंगे, ये तो पृथ्वी को ही जो है आप जानते हैं एक ग्रह है, और ये पूरे ब्रह्मांड में पूरे जो स्पेस में हवा में लटक रही है ना, तो जो लोग यहाँ रहे उनका हेड नीचे होगा, गिरेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई वस्तु रुकी होती है, वो किधर क्यों लगता है, ठीक है, केंद्र की ओर। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो कहेंगे चुंबकीय सुई क्या है, पैरेलल है, ठीक, तो दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पैरेलल होती है और दो स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत होती है। तो आप बोलेंगे क्या, यहाँ पर क्या प्रमाण देंगे कि जब हम किसी चुंबकीय सुई को लेकर के पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो हमको दो स्थानों पर पृथ्वी चुंबकीय सुई पृथ्वी के लंबवत मिलती है और दो स्थानों पर यह समांतर मिलती है। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत मिलती है
यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंदर का जो काल्पनिक चुंबक है उसका नॉर्थ और साउथ पोल इसी डायरेक्शन में होगा। जहां पर चुंबकीय सुई का साउथ पोल पृथ्वी की ओर हो रहा है वहां पर आंतरिक चुंबक का कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। और जिस स्थान पर चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल पृथ्वी की ओर टिक रहा है उस स्थान पर पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है उसका साउथ पोल होगा। और इन स्थानों पर एक होता है नमन कोण या नति कोण, साथ में समझा दे रहे हैं, आगे लिखवा देंगे भी, नमन कोण या नति कोण। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है नमन कोण क्या होता है, नति कोण होता है, कभी नहीं बोलेगा। यही फिगर से देख लीजिए कि जो चुंबकीय सुई है ये जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही है इसी को हम नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। ये जो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ कोण बना रही है इसी को हम कहते हैं नमन कोण या नति कोण। तो परिभाषा क्या होगी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। एक नंबर परिभाषा बहुत आती। तो अब बताइए दो स्थानों पर यहां और यहां नमन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नति कोण या नमन कोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्षैतिज साथ कोण कितना बना 90 डिग्री। और यहां पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दो स्थानों पर 90 डिग्री होगा नमन कोण और दो स्थानों पर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग कहां रह रहे हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। यहां पर वो भी कोई यहां पर या यहां पर हम नहीं रह रहे हैं, हम कहीं यहां पर हैं या यहां पर हैं। भौगोलिक स्थिति आप मैप में देखिएगा। तो हम लोग जहां पर रह रहे हैं वहां क्या हमको 90 या 0 डिग्री नमन कोण मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जब प्रयोग करेंगे, आप चुंबकीय सुई को ऐसे लटकाएंगे तो क्षैतिज से कुछ कोण बन रहा होगा, ठीक है, और यह कोण आपके यहाँ कुछ और होगा, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे वहां के लिए कुछ और होगा। तो जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय हमको नमन कोण की जरूरत पड़ती है, तो प्रायोगिक बुक में सबसे पीछे एक लिस्ट बनी हुई है, वहां लिखा हुआ है हर जिले का नमन कोण कितना होता है हर जिले के लिए, या कुछ फिक्स बिंदु है। जैसे हम लोग जब प्रयोग करते हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए नमन कोण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए या कुछ बिंदु इन्होंने पूरे भारत में या पूरी संसार के लिए डिसाइड कर दिया है कि आप जहां पर प्रयोग कर रहे हैं वहां का नमन कोण लेंगे, क्योंकि नमन कोण हर बिंदु पर क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ पाए इस बात को कि चुंबकीय सुई यहां अगर ऐसे रुक रही है तो पूरा राउंड लगाइए, कहीं ये ऐसे रुकेगी क्षैतिज, कहीं पर ये ऐसे भी रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे प्रमाण बताते हैं कि चुंबकीय सुई को भिन्न भिन्न डायरेक्शन में रुकना यह स्पष्ट करता है कि इसके अंदर अवश्य कोई मैग्नेट है पृथ्वी के अंदर, जिसके कारण चुंबकीय सुई जो है बार बार दिशा को बदल रही है, क्योंकि ये खुद में मैग्नेट है और मैग्नेट तभी हटेगा अपने स्थान से जब ये किसी अन्य मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। तो ये एक प्रमाण हो गया, ये बहुत अच्छा प्रमाण है। इसमें यह भी पता चल जाता है कि फिर मैग्नेट अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होगा वो किधर की ओर रखा है। तो जानते हो किसी मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो अब हम इसको लिखवा देंगे क्या, एक बार में सुन लीजिए कि जब चुंबकीय सुई को पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक राउंड लगाते हैं, तुम देखते हैं कि चुंबकीय सुई भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी डायरेक्शन अपनी दिशा को सदा बदलती रहती है। दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के लंबवत होती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका नॉर्थ साउथ पोल इन्हीं बिंदुओं से होकर के जाता है, और इनसे होकर खींची गई जो रेखा होती है उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के समांतर हो जाती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है वो इन्हीं इस समय सुई के समांतर है, और इनसे ऊपर जो रेखा रहती है इसको हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अन्य स्थानों पर जो चुंबकीय सुई क्षैतिज से कोण बनाती है वो अलग अलग होता है, और क्षैतिज से बनाए गए इन कोण को हम क्या कहते हैं? नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं, जो कि पूरी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो ये सभी प्रमाण, ये सभी ऐसे प्रमाण हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी के अंदर अवश्य ही कोई चुंबक है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई बार बार विक्षेपित हो रही है। अगर चुंबकीय सुई कोई एक स्थान पर हम रख दे रहे हैं तो नहीं विक्षेपित होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। और जब चारों तरफ हम इसको राउंड लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बदलती रहेगी। अब अगर हम कहें इसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींच दें, तो इस पृथ्वी के अंदर नॉर्थ जो है नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना और साउथ की ओर जाती है, तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और ऐसे होकर के ऐसे आती रहेंगी। हम इसमें बनाएंगे नहीं, स्पीकर को देख रहे हैं ऐसे, और ये नॉर्थ पोल ऐसे आती रहेंगी इस प्रकार से पश्चिम दिशा में ऐसे आएंगी। तो अब यहां पर अगर आप बैठे हैं तो आपसे कहे फिर चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर सदैव जा रही है, तो कहोगे भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देखिए भौगोलिक उत्तर दिशा में कौन सा पोल है? भौगोलिक दक्षिण दिशा में कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल।
भौगोलिक दक्षिण आपके यहाँ क्या है, ये है ना भौगोलिक दक्षिण, ये है और दक्षिण इधर है ना, तो इस दिशा में पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और ये भौगोलिक उत्तर है, तो उत्तर दिशा में मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और चुंबकीय बल रेखा किस पोल से निकलती है, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से निकल के जब साउथ की ओर आएंगी, तो आप अगर यहाँ पर पूछे कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर जा रही होगी, तो कहोगे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में जहां पर आप रह रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदा दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर जा रही है। इसीलिए यहाँ पर जब चुंबकीय सुई रखेंगे तो वो सदा ऐसे बताएगी, उसका तीर किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर। वो बताएगी कि दक्षिण से आ रही है चुंबकीय बल रेखाएं और उत्तर की ओर जा रही है। तो जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं जिधर से जिधर को जा रही होंगी, ये चुंबकीय सुई उसी की डायरेक्शन को बताएगी। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? तो अगर आपसे हम यहाँ सदैव पूछेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर की ओर जा रही है, तो कहोगे भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, ठीक है। और अगर पूछेंगे मैग्नेट का कौन सा सिरा किधर की ओर है, तो कहोगे कि भौगोलिक दक्षिण में पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और भौगोलिक उत्तर में कौन सा पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। ये बताओगे, अच्छा ये जो आप करेक्ट डायरेक्शन एज्यूम करते हो हमारी मैप की, जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा है वो ये है, मैप की उत्तर दक्षिण दिशा ये है, लेकिन हमारा जो ये मैग्नेट है करेक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में, ये किसी कोण पर झुका हुआ, ये है 11.5 अंश पर, ठीक है। इसीलिए जो हमारी मैग्नेटिक निडल बताएगी, मैग्नेटिक सुई बताएगी, वो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा को करेक्ट नहीं बताएगी, हल्का सा कितने अंश पर मूव करेगी, 11.5 अंश पर। ऐसे आप रखोगे तो आपको लगेगा दक्षिण ये है, लेकिन उस करेक्ट दक्षिण को नहीं बताएगी, थोड़ा सा ये मूव करके 11.5 अंश मूव करके चुंबकीय सुई बताएगी, ठीक है। तो क्या हम अगर चुंबकीय सुई से कहीं पर डायरेक्शन ज्ञात करें, चुंबकीय सुई से अगर हम दिशा को ज्ञात करें, तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी देखने को, नहीं मिलेगी हमको, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। जो हमारी मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होती है उससे 11.5 अंश मूव करके हमारी जो है मैग्नेटिक निडल दिशा को बताएगी। समझ पा रहे इस बात को कि नहीं? जैसे हम कहें यहाँ पर हम दिशा फाइंड करें करेक्ट उत्तर किधर है, हम कंपास सुई को यूज कर ले यहाँ पर, तो जब उसको यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर दक्षिण नहीं बताएगी, कितने अंश पर बताएगी, 11.5 अंश मूव करके बताएगी। लेकिन ये कोण चूंकि बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म कोण है, ये 15 अंश भी तो नहीं है, उससे भी छोटा है, तो इस छोटे से कोण के लिए हम लगभग मान लेते हैं फिर उत्तर दिशा वही है जिधर की ओर चुंबकीय सुई बता रही है, ठीक। ये सब था इसके बारे में। अभी देखिए, अब दूसरा प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर गड़े हुए चुंबक का, लोहे की छड़ का चुंबक बन जाना। देखिए इस प्रमाण को, पृथ्वी के में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। आपने कभी ये देखा है जो ये लोग बनाते हैं रेडियो वगैरह, वो स्क्रू ड्राइवर को क्या करते हैं, हल्का सा मैग्नेट पर रगड़ लेते हैं, और जो मैग्नेट पर रगड़ लेते हैं थोड़ी देर, तो उतने ही समय में उस स्क्रू ड्राइवर में भी मैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और वो छोटे छोटे स्क्रू को क्या करता है, चिपका लेता है। देखा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? स्क्रू ड्राइवर तो लोहे का बना था, जब उसको मैग्नेट पे रगड़ते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती है वो लगातार कटती रहती है। जैसे कि ये मैग्नेट रखा है, इसका नॉर्थ से साउथ पोल ये है, तो जब आप स्क्रू ड्राइवर को इस पे रगड़ते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस लगातार कटती रहती हैं, और थोड़ी ही देर में उस लोहे की छड़ में क्या आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। स्क्रू ड्राइवर लोहे का था ना, पेचकस इसको कहते हैं, उसमें चुंबकत्व का गुण आया और उसने लोहे के छोटे छोटे स्क्रू को क्या कर लेता है, उठा लेता है। तो वहां पर चूंकि बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी चुंबक के कारण बहुत प्रबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक मिनट रगड़ा बस उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। इसी प्रकार जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो बहुत ही सूक्ष्म है, इसका मान जो है बहुत ही कम है। तो अगर इसके अंदर हम किसी भी लोहे की रॉड को धसा करके रख दें, ऐसे उस डायरेक्शन में रख दें जिस डायरेक्शन में वहां पर चुंबकीय सुई लटक रही हो, जैसे यहाँ पर चुंबकीय सुई क्षैतिज लटक रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर एक लोहे की जो है रॉड है, यहाँ पर आयरन किया, धसा दीजिए ऐसे, तो ये कुछ वर्षों पश्चात चुंबक का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, इसमें चुंबक के व्यवहार आ जाते हैं, चुंबक का गुण धारण कर लेती है। और कोई भी वस्तु चुंबकत्व का गुण तभी धारण करेगी जब वह किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रहेगी काफी समय तक। क्या ये बात समझ में, कि कोई भी वस्तु चुंबकत्व का गुण तभी धारण करेगी जब वह चुंबक के संपर्क में काफी समय तक रहेगी। आप एक मैग्नेट रख दीजिए, प्रबल मैग्नेटिक फील्ड हो उसका, उसके पास में एक लोहे की छोटी सी छड़ रख दीजिए, कुछ समय तक जब वो रखी रहेगी तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, अर्थात वो छोटे छोटे अन्य लोहे के तिनकों को अट्रैक्ट करने लगेगी। तो जब पृथ्वी के अंदर हमने एक लोहे की छड़ को धसा दिया और देखा कि काफी वर्षों पश्चात या 100 वर्षों पश्चात 50 वर्षों पश्चात
उस क्षण में चुंबकत्व गुण आ गया है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है अवश्य यह जो राड है या लोहे की छड़ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही रखी हुई है। और वो मैग्नेटिक फील्ड है किसका? पृथ्वी का, क्योंकि अर्थ तो कोई मैग्नेट हमने रखा नहीं है, समझ पा रहे? तो यह भी प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र अवश्य है, जिसके कारण ही इसमें चुंबकत्व गुण आ रहा है, अन्यथा हमने कोई चुंबक आसपास नहीं रखा था। लिख लीजिए।